नमस्ते दोस्तों, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ स्लीवलेस बोटनेक ब्लाउज प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो ये अस्तर का कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है। स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे बोटनेक पर। तो ये मेजरमेंट देख लीजिए आप, इस तरीके ये मेजरमेंट है। ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच, चेस्ट है 32 इंच, 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच और कमर 26 इंच है। यहाँ पर 6.5 हम लेंगे चौथा भाग। शोल्डर है 6.5 इंच और आर्म होल्स लेंगे यहाँ पर। अगर आप 32 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं बोट नेक पर तो आप ये मेजरमेंट ले सकते हैं। आर्म होल 6 इंच और नेक की चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं। अगर आप नेक की चौड़ाई कम रखना चाहते हैं तो आप 3.5 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है कटिंग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अस्तर के कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। फोल्ड वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। और यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे हम 13.5 इंच। टोटल लंबाई में मैंने 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और यहाँ पर शोल्डर लिए ही मैंने 6.5 इंच, इस तरीके से आप ड्रॉ करें। और आर्म होल्स के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया हुआ है। यहाँ पर चेस्ट के लिए मैंने 32 चेस्ट है तो 32 का चौथा भाग 8 इंच लें, और इस तरीके से मार्किंग करके आर्म होल्स के अच्छे से आप गोलाई कर दें इस तरीके से। अगर एक बार में गोलाई परफेक्ट नहीं आती है तो आप दोबारा से अच्छी से गोलाई करें। और यहाँ पर देखिए, 26 हमारी कमर है तो इसमें 26 का चौथा भाग मैंने 6.5 इंच लिया है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर परफेक्ट आपको मेज़रमेंट बताया है। अगर आप 32 साइज़ का बोटनेक ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप इस मेज़रमेंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं कपड़े को एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लूँगी इस तरीके से। अभी भी मैंने यहाँ पर बंद भाग अपनी तरफ ही रखा हुआ है, और यहाँ पर 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। और अपने बैक वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। इसे अच्छे से आप रख लें और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लें। देखिए, मैंने शोल्डर और आर्म होल्स पे मार्किंग कर ली है। अब हमें साइड से प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने आर्म होल साइड से 1 इंच और कमर के साइड से 1.5 इंच लिया हुआ है। और देखिए, इस तरीके से आर्म होल्स की मार्किंग कर लें आप। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, इस तरीके से आर्म होल्स की मार्किंग कर लें। और यहाँ पर गोलाई हम इस तरीके से कर देंगे, पर अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे जो प्रिंसेस कट का पार्ट रहेगा उसे जॉइंट करने के बाद हम इसे दोनों ही पार्ट को बराबर रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो अभी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको इतना यहाँ पर गोलाई लेनी है। तो हम इसे यहाँ पर मार्किंग के साथ साथ कट कर देंगे। यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट कट कर दिया है। अब हम हमारा बैक पार्ट भी इसी के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से। सेंटर में कट लगा लेंगे। तो देखिए, हम प्रिंसेस कट कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं 3 इंच यहाँ से भी 3 इंच लूँगी, और यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे हम यहाँ से 10 इंच। यहाँ से मैंने 1.5 इंच और यहाँ से 2 इंच लिया हुआ है इस तरीके से। अब हम इसे इस लाइन को आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने का।
और इसे इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो आर्मोल्स की गोलाई जब हम ये दोनों ही पार्ट हमारे जोड़ लेंगे, उसके बाद हम आर्मोल्स की गोलाई कर देंगे। अच्छे से यहाँ पर आप शेप दे दें। यहाँ पर हम नेक की विड्थ ले रहे हैं, चौड़ाई ले रहे हैं 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच। ये भी आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। पर जो बोटनेक का शेप होता है वो 3.5-4 इंच पे ही परफेक्ट बैठता है, तो आप 3, 3.5 या 4 इंच ही ले जब भी बोटनेक ब्लाउज बनाए। यहाँ से भी मैंने बैक पार्ट के लिए विड्थ 4 इंच ली है, और लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पर 10.5 इंच। आप चाहें तो लेंथ और यहाँ से जो नेक की विड्थ है वो बढ़ा भी सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। देखिए यहाँ पर एक मार्किंग मैंने 3 इंच पे की है, और ऊपर वाले नेक के लिए मैंने 3 इंच लिया है, और यहाँ से 1.5 इंच मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के लिए लिया हुआ है। 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम बॉक्स में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी राउंड शेप देना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रेंडी नेक है, बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है बोट नेक में। और यहाँ से हम इसे इस तरीके से मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे, हमारे जितने भी पार्ट कट किए हुए हैं। मैं यहाँ पर स्लीवलेस बना रही हूँ, अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हैं तो भी आप ये मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है 32 साइज़ का, तो आपको अगर स्लीव्स लगानी है तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, सेम मेज़रमेंट ही लेना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, और हमारे सभी पार्ट भी कट कर लिए हैं इस तरीके से। मैन फैब्रिक पे थोड़ा कपड़ा अगर आप बढ़ा के लेंगे तो जब आप अपना अस्तर से मैन कपड़े को अटैच करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी आप मैन फैब्रिक कट करें, थोड़ा थोड़ा कपड़ा आप साइड से बढ़ा कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसे बुकरम पे बता देती हूँ कि अगर आप बुकरम फिनिशिंग के साथ नेक बनाना चाहते हैं तो बुकरम का यूज़ ज़रूर करें नेक में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम लिया हुआ है, 11.5 इंच चौड़ाई में है और लंबाई में 12 इंच है। तो बुकरम को आप अच्छी तरीके से आप फोल्ड करके बराबर कर लें। और देखिए यहाँ पर नेक विड्थ ली है मैंने 4 इंच, ऊपर वाले नेक के लिए 3 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लें। और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। नेक लेंथ लेनी है मैंने यहाँ पर 11 इंच। मैंने फैब्रिक पे 10.5 इंच ली थी, पर मैं थोड़ी सी नेक की लेंथ बढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच ले ली है बुकरम पे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डीप में ही अच्छा लगेगा। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए एक बॉक्स बना लें, और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। साइड से हम एक एक इंच बढ़ाकर बुकरम पे ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने 1 1 इंच बढ़ा लिया है। अब हम बाहर की तरफ से इसे कट कर लेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया हुआ है साइड में उसे छोड़ते हुए।
यहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर छोड़ दूंगी, इससे हमारी जो नेक की विड्थ है वो बराबर रहती है। तो यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ते हुए नेक को बीच में से भी कट कर लेंगे। डिज़ाइन के साथ साथ हमने जो ड्रॉ किया हुआ है वो कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बुकरम कट हो गया है और ये बैक ओपन है, तो यहाँ से हम इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। अगर आप बैक ओपन नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे जहाँ से मैंने नीचे से कट किया है उसे कट ना करें। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर के एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब आप इसे प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका कर ब्लाउज़ पर अटैच कर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग हो गई है परफेक्ट तरीके से। आप 32 साइज प्रिंसेस कट बैक ओपन ब्लाउज़ की कटिंग बताइए मैंने आपको कि किस तरीके से आसान तरीके से आप इसे कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।